Toto. Oh, Malik. Monaco, पकड़ के लाओ. मालिक बहुत देर हो गई है, जाने दो, बच्ची है. छोटो, अगर दोबारा तुमने मुंह खोला तो याद रखना, कढ़ाई में पकौड़े की जगह हम तुम्हारी मुंडी फ्राई कर देंगे. अब ये लीजिए मालिक. मुझे आज भी याद है मोना कि तुम्हें पकौड़े कितने अच्छे लगते थे. यू सू लव पकौड़ास. मालिक पकौड़े तो मुझे भी बहुत पसंद है. अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी एक आध पकौड़ा ले लूं. सॉस डालो. पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर. छोटो, मन तो कर रहा है कि तेरे गाल मार मार के सॉस के जो टमाटर हैं उससे भी ज्यादा लाल कर दूं. लेकिन पता नहीं क्यों संस्कारों ने मुझे रोक रखा है. सॉस अंगूरी मोना, अरे जल्दी घर आओ ना, इतनी रात हो गई, नहीं है क्या सोना? सेठ घनश्याम दास. मोना को तुम्हें सुबह तैयार करके स्कूल भेजना है. तो इतना जल्दी सुला रहा है उसको. रिमेम्बर, जब तक हमारी ड्रिंक चलेगी मोना हमारे पहलू में बैठेगी. यार क्या मुसीबत है ये. सॉरी. क्या है तिवारी जी? हेलो भाभी जी, ये क्या हो रहा है? भाभी जी अपने पति देव को देखिए ना, अंकुरी को शराब पिला रहे हैं. क्या शराब पिला रहे? कोई किसी को कुछ शराब पिला नहीं रहा है, बैठ के बातें कर रहे हैं दोनों. तिवारी जी प्लीज, मैं वैसे भी बहुत तपी हुई हूँ, अपना दिमाग और खराब मत कीजिए. अरे भाभी जी क्या बात कर रही हैं आप? अगर आप परेशान है तो हमें बताइए, हम आपके ताप को शांत कर देते हैं. ओह नो, थैंक यू वेरी मच. वैसे भी बहुत कुछ कर लिया है आपने मेरी जिंदगी में, और आपकी कृपा दृष्टि नहीं चाहिए मुझे. मुझे पकौड़े बनाने आते नहीं है, मुझे कुछ भी किचन में आता नहीं, और आई एम इन अ सूप बिकॉज़ ऑफ दिस होल ड्रामा. सॉरी भाभी जी, सॉरी. यू नो, काश आपने अपना मुंह नहीं खोला होता तिवारी जी, काश मैं आपकी बातों में नहीं आती, ले ही जाती मैं विभू को उस पार्टी में, तो ऐसा क्या होता? दो चार बातें कर लेते, लोग सुन लेती मैं, लेकिन कम से कम आज ये सब तो नहीं होता. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू तिवारी जी, बिकॉज ऑफ यू, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी. भाभी जी ये तो बहुत अच्छी बात है फ्यूल थीप जी. गुड आइडिया, फ्यूल की चोरी भी करूंगा. लेकिन तुम जूल थीफ कहना चाह रहे हो? सही पकड़े हैं. मालिक, दुबई का कानून बहुत सख्त है, वहाँ के रेगिस्तान की रेत आप एक मुट्ठी भर नहीं चुरा सकते, तेल क्या चुराएंगे? छोटू जी, तुम कभी ठाकर कटी के आगे गए हो? नहीं मालिक. दुबई की बातें करते हो. माफ करना मालिक. आइंदा हमारे सामने मुंह मत खोलना, जबान मत चलाना, वरना हम तुम्हारी जबान खींच के काट लेंगे और उसको हम छुरी की तरह तेज कर देंगे, और फिर उससे हम हीरे तराशेंगे. बिकॉज आई एम अ ज्वेल थीफ. इट्स ऑल राइट. ठीक है ठीक है, डिस्पर्स हो जाओ. मोना, हैव अ पकौड़ा, इट्स सो रोमांटिक. Come on, go on. Thank you. That's all right.
अरे यार, हम विभूति भैया से है ना, जितने दूर रहेंगे ना उतने अच्छे हमारे लिए। टीका, तू एक काम कर, अगर अब किसी से फोन आए ना तो तू 1.5 किलो गालियां बक दियो। हाँ, बाद में फिर हम बोल लेंगे कि फोन कहीं खो गया, पता नहीं कौन भूतने का गालियां बक रहा था। आइडिया के सुन वाली गाली ने। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारी कॉल नजरअंदाज करने की? I like it. The woman, Michael Jackson. Meow. कोई अपडेट कि हम किस जूलियस के जाके बड़ा हाथ मार सकते हैं? अपडेट हाँ बॉस, खोजैया हो रही है अभी, खोजैया। क्या कि हमने टारगेट तो डिसाइड कर लिया हुआ है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे कॉल हैं, छोटे मोटे आए, लेकिन वो कहा कि आपके मतलब स्टैंडर्ड के ना है बॉस। हाँ। तुम तीनों कथे हो, नकारा हो, निकम्मे हो। जो हमने सोचा है वही प्लान करना पड़ेगा इस्तेमाल हमको। कौन सा प्लान बॉस? मेरी बात ध्यान से सुनो, आज पुरानी पीपली के मंदिर में म्याऊ कामदन में भी एक बहुत बड़ी पूजा है म्याऊ, और बहुत से लोग आएंगे और बहुत दक्षिणा होगी, और वहां पे एक सोने की भगवान की मूर्ति है, आज हम उस पे था बोलेंगे। आओ क्रिस्टीना, हमें तैयारियां करनी है। ओके, बुलाएंगे, कम बेबी, कम 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 कम। अरे बहुरिया, तनिक पानी पिलाओ बिटिया। अला रे अम्मा जी, अपन नाम करे अम्मा जी। अरे कहा हो गया, काय चिल्ला रही हो? क्या हुआ? कौन अम्मा जी? अम्मा टाइम भूल गई। नहीं नहीं रुकिए, अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा टाइम। अरे तो जिंदा है बे, ये सब कहा है, कहा हाल बना दिया बहुरिया का। ओ ना अम्मा जी, हमको ये सब भरभूति जी के भले के लिए करना पड़ रहा है। अरे हमने तुमको बताया नहीं था अम्मा कि वो भभूति जी के शरीर में कोनो कोई वो ज्वेल थीव का कोनो किरदार घुसपैठ कर बैठा है उनके मन मंदिर में भी, और वो तो अब अंगूरी को मोना समझने लगे हैं। हाँ, और ना उन्हीं की वजह से हमको तीन तीन कपड़े पहनना पड़ रहा है। तीन तीन नहीं, भेस्टन होता है बहुरिया। ऐसे ही पकड़े हैं, वो कहना कि उनको हमको ऐसे ही कपड़ों में देखना अच्छा लगता है। अरे हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, कौन टाइप का बकवास फैल रहा है इन नल्ला। अरे बकवास तो हमारे जीवन में चल रही है, कल सवेरे जो अंगूरी को उन्होंने सरेआम नचवा दिया, हमने मना करने की कोशिश की तो चाकू की नोक पर हमें चुप करा दिया। हमें समझ में नहीं आ रहा हम करे तो क्या करे। अरे वो नल्ले को कोना अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना, उसकी वजह से हमारी बहुरिया कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है। वही तो अम्मा जी, लेकिन क्या करे, वो अनीता जी ने सबको बोली है कि जैसा भरभूति जी बोल रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा, ना ही तो जल्दी ठीक ना ही होंगे। अब वो हमारी सहेली है, उनको मदद करने से कैसे मना करेंगे हम। कितना बड़ा दिल है हमारी बहुरिया का है, औरों की मदद के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। हमको बहुत गर्व है बिटिया कि तुम्हारी जैसी बच्ची हमारी बहुरिया है। काश की तो हमारी बेटी होती तो बैल से तो लाख गुना अच्छी होती कम से कम। हाँ ठीक बोल रही है, हम में कौन सी अच्छाई की कमी है? तो चुप रहे। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि नल्ला इतना साला रायता राता कहाँ से है फैलाने के लिए। अम्मा जी एक तो बात बताए आपको, हाँ जो सारा रायता है ना वो लड्डू के भैया की वजह से ही फैला है। कहना कि अनीता जी को जाकर बहुत उकसाए, बहुत उल्टा सीधा बोले भरभूति जी के लिए, देखिए हमको बोलने भी नहीं दे रहे। वो कहना उनको जाकर बहुत उकसाए रहे, उनको बहुत उल्टा सीधा बोले भरभूति जी के लिए, वो बहुत गुस्सा हो गई और उनको डांट दी, और फिर वो जाकर वो फिल्म देख लिए और ये सब ड्रामा हो गया।
भाभी जी। ओ तिवारी जी, देखिए तिवारी जी कितना एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, इनके शक्ल पे आपको जरा से भी शिकन नजर आ रही है? मुझे तो शिकन ही शिकन दिख रही है, चेहरा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अरे चाचा जी, वो तो इनकी शक्ल ही ऐसी है जैसे कि घर में मातम फैला हुआ हो। तिवारी जी, जस्ट इन केस आई हैव नेवर मेंशनड इट, आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाभी जी। माना कि भभूति जी दुनिया के सबसे बड़े नल्ले, लेकिन चूंकि आपके पति हैं, तो आपके पति होने के नाते हम हर स्थिति में एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं भाभी जी। भाभी जी नमस्ते। अरे क्या हुआ, आप दोनों इधर क्या कर रहे हैं, सब ठीक है? भाभी जी पूछो मत ना, कछु भी ठीक नहीं आगो। विभूति भैया ना हमसे बहुत बड़ो कांड करवाना चाह रहे। अबे कैसा कांड? वो हमें अपने साथ लेकर सेठ घनश्याम दास के घर से सारे जेवर साफ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं भाभी जी, हम ये नहीं होने दे सकते, हम ये नहीं होने दे सकते भाभी जी। तिवारी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये विभू की जान का सवाल है। कुछ भी हो जाए भाभी जी, हम अपने आप को लूटने नहीं देंगे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विभू की जान आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, आपके जेवर आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? भाभी जी हमें कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, लानत है तुम्हारे ऊपर। है मन तो कर रही है तुम्हारे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊं, तुम्हारी शक्ल पे थूकना चाहिए। कमेंट्री नहीं है, एंट्री है। और सही पकड़े हैं। कम ऑन कहते हैं। सच्ची कहाँ एंट्री मारे हैं? तुम जाओ, वो बताओ। सर घनश्याम दास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोना से ऐसे बात करने की? कटरीना, ये क्या बला है बे? I like it. हमारी मोना से कोई बदतमीजी से बात करे, डांट के बात करे, हमारी कटरीना को फिक्र पसंद नहीं है। और आज के बाद हमारी कटरीना के सामने कभी हमारी मोना को डांटना नहीं, नहीं तो हमारी कटरीना खिसे आके खंबा नोच लेगी। खंबा, I like it. कटना बेबी, कटना बेबी। क्या चाहते हो क्या भाई ज्वेल थी, क्या चाहते हो? जितने भी तुम्हारे पास हीरे मोती हैं, वो सब लड़कों के हवाले कर दो। और सुनो, पर इसको इतला करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। सेठ घनश्याम दास, त्रिभुवन, माइकल जैक्सन तुम्हारे साथ जाएंगे और अपना सारा माल इनके हवाले कर देना। मोना कमरिया हिला दो ना। मोना नहीं नाचेगी। सेठ घनश्याम दास, ये घनश्याम दास ये ऐसे नहीं मानेगा। लौंडो खेल लो इसको, और जब तक जेवर ला के देगा इसके पैर चलेंगे। इसके पैर रुक गए और तू जेवर लेके नहीं आया तो समझ लेना मोना कमरिया हिलाओ, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। अबे तेरी क्या कर रहा है मैं? अबे कर कर रहे हो ना तुम लोग, साले नालायक नहीं के ऐसे बिहेव करोगे? विभू भी बिल्कुल ऐसे ही मोबाइल पर गेम्स खेलता था। हे भगवान, मुझे मेरा विभू वापस लौटा दो, मैं दोबारा कभी उसे तंग नहीं करूंगी, उसे ढेर सारा प्यार दूंगी। राम कठोरी, तूने बहुत देर लगा दी, क्या कर रही थी? मैं अपना फेस वॉश कर रही थी। मैं सोने से पहले फेस वॉश करती हूँ, उससे चेहरे पे निखार बना रहता है। तभी तुम्हारी त्वचा खिली खिली और उज्जवल लग रही है। The facial glow makes my heart glow. Thank you. सेठ जी मैं जाऊं? इतनी भी जल्दी क्या?
बैठो सराम। इट्स जस्ट दैट सुबह से मैंने काफी काम किए हैं एंड बदन भी दर्द कर रहा है। मैं सो जाऊंगी तो सुबह जल्दी उठ पाऊंगी, सारे काम फिर से करने हैं। तो वैसे भी करने होंगे क्योंकि तुम नौकरानी हो और नौकरानी के पास और कोई चॉइस होती भी नहीं है। That's right. तो अब मैं सोने जाऊं? ऐसे कैसे, तुम इस घर की पुरानी नौकरानी हो, तुम इस बात की भी समझ नहीं कि पहले मालिक को सुलाते हैं बाद में खुश होते हैं। घनश्याम दास के घर चोरी करके हमें बहुत थके थके महसूस कर रहे हैं, पहले हमारे हाथ दबाओ फिर सोने जाओ। बोल, अगर तुम मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं तुम्हारा गला दबाकर हमेशा के लिए तुम्हें सुला देती। तो सोचो मत, कमान हाथ चलाओ, कमान कमान कमान। क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा लग गया क्या? ऐसा प्रेशर हमने जिंदगी में दो बार महसूस किया है, एक बार मसाज कराते वक्त और दूसरा रोमांस करते वक्त। तुम्हारे इस प्रेशर से हमारे जो रोमांस के कीड़े हैं प्रेशराइज हो गए हैं। हमने नौकरानी के साथ बहुत सालों से रोमांस नहीं किया है, आज हम नौकरानी और मालिक वाला रोमांस करते हैं जिसमें तुम नौकरानी हो गई और हम मालिक। फॉलो मी। अगर तुम मेरे हस्बैंड नहीं होते ना तो ये जो तुम्हारे रोमांस के कीड़े हैं ना उन्हें ऐसे कूट कूट के बाहर निकालती मैं। भाभी जी, अगर आप लोगों ने इन्हें विभूति नारायण मिश्रा की याद दिलाने की कोशिश भी की ना तो हो सकता है ये कोमा में चले जाएं या फिर इनकी जान भी जा सकती है। राम कटोरे कमिंग। डॉक्टर, ये बताओ तुमने यहां हमें क्यों बुलाया? विभूति भैया जल्दी। अरे यहाँ पर मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है इसलिए नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बताइए आपने अभी तक मेरे पैसे क्यों नहीं भेजे? कौन से पैसे? अरे ये बोलने के पैसे कि आपकी याददाश्त चली गई है। यार बड़े बुड़बक आदमी हो यार, जब मेरी याददाश्त चली गई है तुम्हें कैसे याद होगा किसके पैसे कहाँ है, पैसे कौन से पैसे? आपकी याददाश्त चली गई है लेकिन मेरी याददाश्त अभी भी बाकी है विभूति भैया। मुझे आपके घर का पता भी मालूम है और अनीता भाभी भी। अगर मैंने अनीता भाभी को जाकर बता दिया ना तो फिर क्या लगता है आपको उसके बाद आपकी कुटाई नहीं होगी, सुताई नहीं होगी? विभूति भैया एक बात बताइए, आप मुझे कितने सालों से जानते हैं? 6-7 साल से। और 6-7 सालों में आपने मुझे कितने बार पिटते हुए देखा है? अराउंड 60-70 times। अरे तो जो आदमी 60 बार पिट चुका हो उसे एक बार वो पिटने में और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो एक बार पिट के चला भी जाऊंगा। आप अपने बारे में सोचिए कि आप कितने दिनों तक पिटते रहेंगे। सब शर्म आनी चाहिए आपको, आप मेरी नजरों में गिर रहे हैं। भैया गिर तो आप रहे हैं। देखिए आपका एक बड़ा रिस्पेक्टेबल पेशा है, आप डॉक्टर हैं, आप समाज में बहुत ऊंचा ओहदा रखते हैं, आप उसे पैसे मांग के मेरी नजरों में गिर रहे हैं। यार माफ कीजिएगा भैया, मुझे आपके पैरों में झुकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कहा मोना डार्लिंग घर पे हैं? लोकल थीप जी, नमस्ते। मोना, हमारा नाम है ज्वेल थीफ। ऐसे ही पकड़े हैं। कटलीना भी आई है। कटलीना दूध पियोगी? कटलीना बेबी, पी लो कटलीना। कम ऑन, तुम दूध पियो। मैं जरा मोना से कुछ प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। मोना सुनो ना, मैंने एक फैसला लिया है। क्या फैसला? तुम्हें याद है मोना, हमने पहले सोचा था कि हम दुबई जाएंगे। अम्मा जी हमको तो बहुत ही टेंशन हो रहा है। अरे टेंशन का कोनो जरूरत नहीं है बहुरिया, तुम तो हमारी बहादुर बच्ची हो। देखो पगली, भभूती जी के सामने अपनी बात पर पूरी तरह से अड़े रहना, बिल्कुल भी ढीलापन मत दिखाना। नो कैटी नो, अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो।
ऑल द बेस्ट। मरीज से मोहब्बत हूँ, एक तेरा दीदार काफी है, हर एक दवा से बेहतर निगाह यार काफी है। वाह वाह वाह, कासेर मारे हैं सच्ची, एकदम ढेर कर दिए हैं। ओना ढेर तो हम तुम्हारी मोहब्बत में हुए पड़े हैं। एनीवे, ये बताओ के तुमने हमें कैसे याद किया? उका है ना कि हमरे डैडू ओ सेठ घनश्याम दास हमरा शादी करा देना चाहते हैं। म्याऊ। प्लेट को का हो गया, काई चीज़ आ रहा है? अरे ये वो भभूति जी की बिल्ली है, बिल्ली ई का नाम है वो कटरीना। क्या हुआ, ठीक नहीं लगी कॉफी? अगर तू मुझे पहले बता देती कि ये कॉफी है, मैं तो इसे काढ़ा समझ के पी रहा था। सर जी, अगर आप ढंग की कॉफी पीना चाहते हो तो प्लीज आप अपने भतीजे को जल्द से जल्द ठीक करवा दीजिए। तुझे क्या लगता है, क्या चलू के साथ जो हो रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है? अरे तुझे पता है, जब वो मुझे छोटू क्या के बुलाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में किसी ने चाकू घोंप दिया हो। चाकू तो हम घुसेड़ना चाहते हैं भभूति जी के पेट में। तिवारी जी प्लीज शांत हो जाइए, आप जानते हैं विभू की तबीयत ठीक नहीं है। भाभी जी आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि हमारी मानसिक हालत खराब होती और भभूति जी की जगह हम ज्वेल थीफ होते तो क्या आप हमारे कहने पर नाचती? तिवारी जी आपकी जिंदगी के लिए मैं नाचती। आप चुप रहिए भाभी जी, आप आंखों में आंखें डालकर कहिए, क्या आप हमारे गाना गाती? गाती मैं गाना तिवारी जी आपके लिए? चुप रहिए। आप एक बात बताइए, आप हमारे साथ फिल्म देखने जाती, गार्डन वगैरह में हाथ डालकर घूमती? आई वुड, यस। चुप रहिए। और एक बात बताइए भाभी जी, अगर हम आपसे कहते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं तो आप चुप रह जाती, हमें थप्पड़ नहीं मारती? तिवारी जी ये जानते हुए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको थप्पड़ नहीं मारती, मैं आपसे शादी कर लेती। भाई जी एनी आइडिया कि ये ज्वेल थीफ फिल्म कहाँ लगी है? नहीं, आप क्यों जानना चाहते? भाभी जी भभूति जी ने जो है ना सारी मर्यादाएं तोड़ के रख दी है। क्या किया विभू ने? भाभी जी हमने अंगूरी से कहा कि इस बार अगर भभूति जी आए उनसे साफ कह देना कि हमारे पिताजी हमारी शादी कहीं और करवाना चाह रहे, तो इससे तुम्हारा और ज्वेल थीप का रिश्ता जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। करेक्ट। हमें पूरा विश्वास था भाभी जी कि अंगूरी के ऐसा कहने पर वो भभूति जी उसका पीछा करना छोड़ देंगे, लेकिन यह तो उल्टा ही हो गया। क्या उल्टा हो गया? उल्टा ये हो गया कि भभूति जी ने कहा कि हमें तुम्हारी शादी से कोई आपत्ति नहीं है। मोना तुम जहां चाहो ये शादी करो ना, जहां पिताजी कहेंगे वहां कर लेना, क्योंकि हमारा और तुम्हारा रिश्ता शादी के बाद भी कायम रहेगा। इनफैक्ट इट विल बी मोर सेफ। व्हाट गॉड, क्या हो गया है विभू को? होश खो बैठा है क्या आपने? कोई होश नहीं खोए हैं, बिल्कुल ठीक है वो। क्या मतलब? मतलब ये कि विभूति भैया में संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, ये सब वो नाटक कर रहे हैं ज्वेल थीप बनने का। What nonsense, rubbish. डॉक्टर ने खुद मुझसे, डॉक्टर के बच्चे में भी संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है। पैसे लिए विभूति भैया से झूठी बात कहने के लिए, हम अपने कानों से सुने भाभी जी, कानों से। अब अगर मैंने इससे नाक रगड़वा कर माफी सबसे नहीं मंगवाई ना, तो मेरा नाम भी अनीता मिश्रा नहीं। हाय बॉयज। हेलो, कहाँ हो? हाय रूसा, पर आज का दिन बहुत स्पेशल है। हाँ? है?
क्योंकि आज मैं तुम तीनों को मेरे कमिश्नर जीजू से मिलवाने जा रही हूँ। ये लेकिन उससे पहले लिसन, मुझे तुम तीनों का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन से निकलवाना पड़ेगा। रूपा जी, निकलवा लीजिए आप रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन से, हम तीनों के रिकॉर्ड पे कुत्ता नजर नहीं आएगा, एक लाइन ना मिलने की है। हमारे दामन पे एक भी दाग ना मिलेगा आपको। रूपा जी, हम तो सीधे शरीर सच्चे इंसान आएंगे, एक नंबर के। तुम्हारे बारे में एक लाइन नहीं पूरी किताब मिलेगी। दामन पे दाग छोड़ो, पूरा दामन काले कपड़े का है तुम्हारा। तुम्हारी शराफत की पोल अब खुल चुकी है। राम राम हरि हवलदार साहब। नमस्ते हवलदार साहब, अभी क्या बात कर रहे हो बताओ। समझ में ना आ रहा हूँ कि आप, व्हाट डू यू से? जब पिछवाड़े पर बल्ले पड़ेंगे तब सब समझ में आ जाएगा। तुम तीनों ने संगीन जुर्म किया है, यू आर अंडर अरेस्ट। एक्सक्यूज मी मनोहर अंकल, इन्होंने किया क्या है? रूसा, रूसा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे अंकल मत बुलाइए, आखिर मेरी उम्र ही क्या है? 40, 50, 55। खैर, इन तीनों ने कल दिन में पुरानी पिपली मंदिर से मास्टर जी की चप्पल चुराई है। सर जी, एक बात हूँ, जे आप ना झूठ बोल रहे हैं, कल तो हम मंदिर ना गए आए थे। लानत है आपके ऊपर हवलदार अंकल, लानत है। घनश्याम दास, कहाँ छुप के हमसे डर के? कम ऑन घनश्याम दास, भर आओ। मम्मी, व्हाट द डायमंड्स? अच्छा डायमंड नहीं आ गए, ना पता खून आ गया। टाइम बोल गया यार ये। अरे ठहर जा ठहर जा, वो दादा। अरे अरे, जो जो ककड़दार हो तुमने सारे। इका कान कर दिए आप, हम तो आपको असली जेवर कहाँ रखे हैं? वो हम आपको बताए थे, आप तो हमारे डैडू को ही मार दिए। डैडू मियां, मैंने को खून नहीं किया है। I haven't done this. This is not my doing. डैडू, मालिक, अब जो होना था सो हो गया, होने को कौन टाल सकता है? हाँ सेठ जी, छोटू बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो, पुलिस भी यहाँ है, गवाह भी यहाँ पर है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, ये आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, इनके करियर पे अब सेठ घनश्याम दास के खून को धब्बो लग गए है। अब जो आदमी जेल ना जाएगा, जो जाएगा सीधे फांसी पे चढ़ेगा। नहीं, मैं फांसी पे नहीं लटकूंगा। मेरे सपोर्टर्स, मेरे खास लोग, कटरीना, बेबी सेल्फ, मेरे लिए गवाही देंगे। त्रिभुवन, माइकल जैक्सन। कुत्तों, एक्सक्यूज मी, सॉरी बॉस, हम चप्पल चोरी में और जेवर चोरी में आपको साथ दे सकते हैं, लेकिन कौ के खून में ना, खूनी कांड में आपको साथ ना दे सकते हम। मैंने को खून नहीं किया है, मैंने को खून नहीं किया, आई एम नॉट अ मर्डरर, आई हैवंट डन एनीथिंग। देखिए सेठ जी, आवाज ऊंची करने से सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी, मुझे लगता है समझदारी इसी में है कि आप सरेंडर कर लो। ऐसा है, जब कानून को बम्बू पिछवाड़े पड़ते हुए ना, तब तो तुम्हारी सारे जो रूह है ना, वह सारे हीरा जवाहरात की तरह खन खना के बाहर आ जाएगी। अच्छा अपर सिंह जी, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं विभूति नारायण मिश्रा हूँ, मैं विभूति हूँ, एजुकेशन में विभूति हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे हेल्प। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।